कई दिनों से पुलिस के अधिकारियों की किसान नेताओं के साथ बैठक हो रही है। कुछ तो अंदाजा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। कुछ लोग रास्ते से भटक सकते हैं, कुछ लोग अफरा तफरी कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस का बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? आज जिस तरह से आईटीओ तक ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे, जिस बड़ी तादाद में लाल किला तक किसान पहुंचे, उससे देखकर लगता नहीं कि पुलिस के पास सीमाओं के अलावा या तय रूट के अलावा कोई बैकअप प्लान था। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह के बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, वो सरकार की तरफ से क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा सिर्फ महापंचायत के बाद दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, या फिर सरकार बताना चाहती है कि उसकी ताकत कहां से आती है, कितनी है? उसकी ताकत की किताब के कितने चैप्टर अभी बाकी हैं जिसे किसानों को देखना है? मेड़ की ऊंचाई बहुत नहीं होती, घुटने के बराबर या उससे कम होती है। दिल्ली की सीमा पर जमे किसान शहर के भीतर ना आ जाएं, इसके लिए सरकार मेड़ नहीं बैरिकेड बना रही है। पिछले 2 महीने में बैरिकेड में जो बदलाव आया है, उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में सरकार अपनी जनता को किस लेंस से देख रही है। ये बैरिकेड बताते हैं कि जनता और सरकार के बीच सिर्फ खाई नहीं है, कीले भी हैं। जनता को सरकार तक पहुंचने के लिए कीलों पर चलकर आना पड़ेगा।